यकीन मानिए दोस्तों, करेले की सब्जी इस तरीके से आपने बना लिया ना दोस्तों, तो जो लोग करेले खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी मांग मांग के खाएंगे। तो हाय गाइस, आज हम बना रहे हैं करेले की सब्जी नए तरीके से। यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले ले लिए हैं। करेले को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है और अब हम इनकी कटिंग करते हैं। सिंपल सा आपको क्या करना है, करेले को जैसे आगे पीछे से कट करके इन्हें आपको गोल गोल इस तरीके से काटना है, और अगर कोई बीज पका हुआ हो तो वो आपको निकाल लेना है। इस तरीके से बनाने में स्वादिष्ट तो होते ही हैं, करेले की सब्जी बनाने में बहुत आसान है। इस तरीके से सारे करेलों को गोल गोल स्लाइस में काट के रखना है। तो ये हमने करेले काट के रखे हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनके ऊपर हमने 1 चम्मच नमक डाल देना है, जिससे कि इनका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसे हमने 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है नमक लगा के। इससे क्या होगा, इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा, और करेले की जो हम आज सब्जी बना रहे हैं वो खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। कई लोग इन्हें छील के भी बनाते हैं, लेकिन मैं इन्हें आज छिलके के साथ ही करेले की सब्जी बना रहा हूँ। तो इसे हमने अच्छे से नमक लगा के मिक्स कर लिया है इसके साथ में, और इसे हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जो करेले थे उन्हें मैंने 15 मिनट के लिए नमक लगा के रखा था, और इन्हें 15 मिनट हो गए। इन्हें एक बार अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। तो करेले को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इन्हें बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख ली है, उसके अंदर मैं डालूंगा 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल, और सरसों का ऑयल को हम अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से धुआं आ चुका है, और यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया है लो फ्लेम पर। इसके अंदर डाल देते हैं। सारे करेले मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिए हैं, और इन्हें हम 5 मिनट तक तेल में इसी तरीके से भूनेंगे। तो जब तक हम इन्हें भूनते हैं, तब तक हम इसके लिए प्याज और टमाटर को काट के तैयार कर लेते हैं। इन्हें हम अल्टा पलटी करते रहेंगे, और हाई फ्लेम पर हमने इन्हें 5 मिनट तक भूनना है। यकीन मानिए दोस्तों, करेले की सब्जी इस तरीके से आपने बना लिया ना दोस्तों, तो जो लोग करेले खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी मांग मांग के खाएंगे। करेले हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, खास करके करेले जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें इस करेला अपनी डाइट में जरूर लेना चाहिए। करेले का जूस भी बनता है, भरवा करेले भी बनते हैं, और इस तरीके से भी आप करेले को बना के ले सकते हैं। और जो लोग अगर करेले ये सोच के नहीं खाते हैं कि करेला खाने में बहुत कड़वा होता है, यकीन मानिए एक बारी अगर आप इस तरीके से करेले बनाकर उन्हें खिला लेंगे ना दोस्तों, और करेले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनका मन नहीं भरेगा, और हर बारी आप करेले फिर इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। अभी हमने इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालना है। तो अब यहाँ पे करेले को 5 मिनट हो गए हैं तेल में फ्राई किए हुए, और अब हमने इसके लिए ये प्याज को इस तरीके से मोटे पीस में काट के रखा है, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो प्याज को भी हम इस तरीके से इसके साथ 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मैंने 3 प्याज इसके अंदर ऐड किया है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों प्याज को भूनते हुए करेले के साथ में 2 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके लिए 2.5 पीस में टमाटर को भी काट के रखा था, ये भी हम इसके साथ डाल देंगे, और इसे हम 1 मिनट के लिए इसी तरीके से भून देंगे। करेले की ये सब्जी खाने में आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। कई लोग क्या होता है कि करेले को बॉईल करते हैं और उसके बाद उसे निचोड़ के फिर जाके उसकी सब्जी बनाते हैं, उससे क्या होता है करेले में जो भी गुण होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो इसलिए उस तरीके से करेले बनाने का कोई फायदा नहीं है, बट आप उसमें इस तरीके से प्याज और टमाटर डाल के इसे आप बना सकते हैं, जो कि आपको कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा खाने में, और टेस्टी भी होगा, और साथ ही बनाने में भी इजी है। देखिएगा कितना कलरफुल ये सब्जी दिखने में लग रही है। टमाटर करेले को अच्छी तरीके से भून लिया है, और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पहले हम ऐड करेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च 1 चम्मच, ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर, और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
इसमें हम हल्दी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि करेले का अपना ये नेचुरल कलर आपको। एक चौथाई चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा जिससे कड़वा उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। और ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो इसे अब हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और बीच बीच में हम करछी चलाते रहेंगे। तो इसे एक बारी और उल्टा पलटी कर लेते हैं। अब थोड़ी सी कसर और बाकी है, बस 2 मिनट के लिए इसे और ढक के रखेंगे। तो अब हमारी ये करेले की सूखी सब्जी तैयार हो गई है। तो इसे फटाफट से आप सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी करेले की यूनिक स्टाइल में सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको यह सब्जी कैसे लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक GS रसोई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS रसोई चैनल। मिलते हैं फिर से किसी नई रेसिपी के साथ में।